नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है। स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। सब लोगों ने डिमांड कर रखी थी, बहुत व्हाट्सएप आ रहे थे मुझे कि यहाँ पर ईयरली वीडियो आपने जो पोस्ट नहीं की, इस बार क्यों नहीं की, और मतलब क्या है ईयरली प्रिडिक्शन, मार्केट पूरे साल कैसा रह सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा था। एक्चुअली क्या है कि मैं हर साल वीडियो पोस्ट करता हूँ कि भाई पूरे साल में मार्केट किस तरीके का रह सकता है। पिछले साल भी किया था, 2022 में जो किया था वैसा ही मार्केट में मिला भी, पूरे साल का पहले बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेट्स सब बताया गया था, तो वो वैसा मार्केट मिला भी। तो 2022 में बोला गया था कि मार्केट जहाँ पर से गिरना शुरू करेगी, आखिरी टाइम आते आते साल ख़त्म होते होते आपको वहीं मिलेगा। तो मार्केट ने 2022 में जब गिरना शुरू किया जनवरी में, तो वही 17,518 के पास था। मार्केट गिरा भी, अच्छा गिरा। मार्केट ने उस साल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स भी देखे, गिरा भी और फिर वापस रिकवर करके वहाँ पे खड़ा भी हो गया। तो ये चीज़ दिख रही थी, सब कुछ ओके था, एंड मतलब ये चीज़ बताई भी गई थी आप लोगों को और वो हुई भी। ठीक, आज मैं जब ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो आज 17,000 का लेवल भी मार्केट में दिखा। और आप सब लोग रेगुलर वीडियोज़ मेरी देखते ही हो, डेली बेसिस के ऊपर वाली जो हम डेली वीडियो बनाते हैं, डेली व्यू देते हैं आपको, डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर देते हैं, वो होता है कि भाई एक मतलब अगले नेक्स्ट 2 या 3 दिन में क्या हो सकता है। ठीक, लेकिन एक व्यू होता है हमारा जो ये बताता है कि अब एक शॉर्ट टर्म पीरियड में या एक मतलब 6 महीने 7 महीने में क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको भी कैरी करके चलते हैं और आपके साथ टाइम टू टाइम उसको शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या शेयर किया था, क्या नहीं किया था। दोस्तों आपको याद होगा, मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मैं ट्रैवल करते हुए गाड़ी के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी, दिवाली के आसपास बनाई थी। अभी अक्टूबर में आई थिंक दिवाली थी 2022 में, तो सितंबर लास्ट में या दिवाली अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई चलो ठीक है यार, 18,000 के आसपास हम खड़े हैं। तो 18,000 के आसपास मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बोला था, क्या बोला था कि भाई मैं मार्केट से बाहर हो रहा हूँ, अपना म्यूचुअल फंड, अपना इक्विटी बेचकर निकल रहा हूँ, ठीक है, 18,000 के लेवल पे। क्योंकि मैंने उस वक्त बताया भी था कि भाई जो आगे आने वाला टाइम है वो बहुत टफ आने वाला है, और मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा देखने को। ये सब चीज़ आज की नहीं, ये सब चीज़ आज से 6 महीने पहले की, सितंबर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जब मार्केट आराम से 18,000 के लेवल पर फ्लोट कर रहा था, और उस वक्त इक्विटी में पेन देखने को नहीं मिला था। आजकल क्या है, अभी आपको जाके देखोगे तो इंडेक्स जो है वो केवल 1,000 से 1,500 पॉइंट ही गिरा है, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप या फिर आपके जो पोर्टफोलियोज हैं, जाके उनका हाल चेक करो कि वो कितने कितने गिर चुके हैं, ठीक है। तो ये पेन तो जो है ना वो अभी चल रहा है, ठीक है, पेन जो है अभी वो आप फेस कर रहे हो, जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त ये पेन नहीं था जब मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी 6 महीने पहले, तो उस वक्त साफ साफ क्लियर वर्ड्स में बोला गया था कि ये जो पेन जो आज आपको दिख रहा है, उस वक्त बोला गया था कि पेन आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्या आप पेन ले सकते हो, ले सकते हो तो ठीक है, लेते रहो, नहीं ले सकते तो प्लीज़ एग्जिट कर लीजिए, साफ साफ बोला गया था। तो आज जो पेन अब आपको दिख रहा होगा, या जो लोग फंसे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो और जिन लोगों ने बात मानी होगी तो वो इस पेन से दूर होंगे और शांति से बैठे होंगे। तो दोस्तों जो अब ये रिव्यू हो गया, ठीक है, हम लोगों ने जो बोला था भगवान की कृपा से मार्केट ने उसको फॉलो किया। बात आती है कि अब क्या आगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक केवल डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी से ज्वाइन करना, काफ़ी फेक चैनल भी है मेरे नाम से, तो अगर आप उस लिंक से जाके ज्वाइन करोगे तो पिछले मतलब जनवरी के स्टार्टिंग से आप जाके चेक करना, जनवरी इसी साल जनवरी के स्टार्टिंग से चेक करना जाके, मैंने आपको हर 10 से 15 दिन बाद एक मैसेज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पर कि भाई मैं मतलब 18,200 पे भी मैंने वो मैसेज डाला इसी साल कि आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन माई पोर्टफोलियो एंड इन माई म्यूचुअल फंड डाला। 17,800 पे भी सब लोगों को लगा कि यार ठीक है, अब तो कर लेते हैं इन्वेस्ट, फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी मैंने डाला मैं इस लेवल पे इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं हूँ। फिर फरवरी के अंदर जब
बजट वाले दिन हमने 17,300 का लो लगा के ठीक 17,500-600 के आसपास हम फ्लोट कर रहे थे, फरवरी की बात कर रहा हूँ, तो भी मैंने फरवरी लास्ट की बात कर रहा हूँ, फिर भी मैंने फिर से वहाँ से मतलब पोस्ट को डाला मैंने कि यार मैं अभी भी ना इस मार्केट में इन्वेस्ट करने को राजी नहीं हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले फिर से मार्केट जब 17,300 पे क्लोज कर गई, 590 पे क्लोज की थी शायद, तो भी मैंने डाला। आई एम स्टिल नॉट कन्वीनियंस, मैं अभी भी यहाँ पर पूरा पूरा नहीं हूँ मार्केट से कन्वीनियंस, तो यहाँ पर है ही नहीं हिसाब किताब जो मैं बाय करूँ जिस लेवल में मुझे बाय करना है। और मैं आपको आज फिर से ओपनली बोल रहा हूँ, अब तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं अब 17,000 मार्केट आ गया है ना, अभी भी मैं नहीं हूँ रेडी, नहीं हूँ मैं अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ कि मैं अपने म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचूं। क्यों, इसका रीज़न आपको अब मैं बता दूंगा, और ये वीडियो जो रहेगी वो पूरे साल के लिए एक एस्टिमेशन वीडियो रहेगी, जैसे कि हम हर साल डालते हैं। ये वीडियो लेट इसलिए हुई कि घर में फंक्शन है, सारा पूरा टाइम जो है कंस्ट्रक्शन घर में चल रहा है रेगुलर, तो उस सब और सब कुछ देखना है, शादी का एक फंक्शन है घर में ही, खुद के घर में, तो वो सब चीज़ों को करना है मैनेज, उसको भी देखना है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट आज जब 17,000 आया और मुझे थैंक्स के मैसेज काफ़ी आए व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आपने बोला था पोर्टफोलियो से निकल जाओ, तो हम निकल गए, हम शांति से बैठे हुए हैं कैश में, तो मतलब वी आर ओके, वी आर ओके। सो मतलब दिल को काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, कुछ तो लोग हैं जो सुन रहे हैं, हर कोई नहीं सुनता, लेकिन दिल को काफ़ी अच्छा लगा उनके मैसेजेस पढ़ के कि यार कुछ तो लोग हैं जो बात मान रहे हैं, जो को मेरी बात सुन रहे हैं, और वो सेफ़ हैं सबसे बड़ी बात। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर स्टडी है और स्टडी के ऊपर बिलीव है, याद रखना स्टडी होना, व्यू आपका खुद का होना, डैट इज़ ए गुड थिंग, लेकिन सबसे बड़ा पावर क्या है उस स्टडी का या उस एनालिसिस का जो आप कर रहे हो, कि अगले दिन जब मार्केट में आप लाइव हो ना, तब उस दिन आपकी एनालिसिस जो आपने की है उसके ऊपर आप बिलीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये बिलीव मैंने आपको आज दे दिया कि मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी चीज कि जो अभी पेन है ना, पेन जो है अभी इस साल का जो अभी दिख रहा है आपको पिछले 3 महीने में, इट इज़ नॉट ओवर, राइट, इट इज़ नॉट ओवर येट, समझे, अभी ये ओवर नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्टली ऐसे बिल्कुल सीधे ऊपर से गिरना शुरू किए और गिरते ही चले जाएंगे पूरा, ऐसा नहीं होने वाला। रिलीफ रैलीज आएंगी और 2-3% की रिलीफ रैली भी आएंगी, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी रिलीफ रैली को आप ये मत समझना, ठीक, कोई भी रिलीफ रैली को आप ये मत समझना कि यार चलो यार सब कुछ ठीक हो गया और मैं बाय कर लेता हूँ, या मैं पोर्टफोलियो में थोड़ा पैसा डाल देता हूँ, या फिर मैं म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ, नहीं, क्यों डालना, जब अपने को पता है कि आप अभी ये सही लेवल नहीं है, और जब सही लेवल आएगा ना मैं आपको खुद बताऊंगा, टेंशन ना लो। जब आपको एग्जिट करने के लिए मैंने बोला तो हम इन्वेस्ट करने के लिए भी बोलेंगे, आई हैव दैट स्टडी विद मी, मैंने अपने फंड के लिए पूरा का पूरा स्टडी किया हुआ है, एंड आई एम मतलब फोकस्ड टोटली, कि भाई मेरा फोकस है कि मेरे स्टडी के हिसाब से मार्केट अगर चल रहा है ना, तो देन आई एम ओके, मतलब मैं बहुत खुश हूँ उसमें, ठीक है। सो एज पर डैट स्टडी वेन एवर द टाइम विल कम ना, सो आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस, और मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको उस वक्त के लिए भी लिख के देता हूँ, जैसे कि आपने 18,000 के आसपास दिवाली के वक्त अपना पोर्टफोलियो नहीं निकाला प्रॉफिट में, हम लोगों ने निकाला, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में थे 10-10% के आसपास, 10-11% का प्रॉफिट था उस वक्त, हमने उसको निकाला प्रॉफिट में निकाला, पोर्टफोलियो भी 8-9% के प्रॉफिट में थे, वो भी निकाले, तो हमने प्रॉफिट में निकाला, ठीक। लेकिन जिस तरीके से आपने, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने उस वक्त जब सब कुछ ग्रीन था प्रॉफिट बुक नहीं किया,
ठीक है, और स्टक हो गए अब, और हिम्मत उस वक्त नहीं हुई थी जब ग्रीन सब कुछ था ना कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। क्यों? क्योंकि बिलीव नहीं था। ठीक, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जब भी जब वो पेन होगा मार्केट में, जब बॉटम बनने को बिल्कुल नज़दीक होगा, एंड व्हेन आई विल टेल यू, मतलब उस वक्त जब मैं आपको बोलूँगा ना कि भाई ठीक है यार अब इन्वेस्ट करना शुरू करो, तब भी आप नहीं करोगे, आप समझे, तब भी आपने, इसे क्या क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रीड एंड फियर, आप समझे, ग्रीड एंड फियर। और दोनों सिचुएशन में बंदा फंसता है, ग्रीड में तो फंस चुके हो और फियर में भी फंसोगे। ठीक है, तो इसको, ग्रीड एंड फियर को साइड रखो, अपनी स्टडी को, जो भी आप करते हो, मैं तो करता हूँ अपनी स्टडी, मेरी स्टडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट डेली वीडियोस मैं आपको पोस्ट करता ही हूँ, मेरे पास सारे नंबर्स हैं। तो वो टाइम आने पे उस स्टडी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, इट इज़ माई प्रॉमिस, बट आपको बिलीव करना होगा। ठीक, तो मेरा अभी जो 17,000 रुपये हम खड़े हैं, तो मैं अभी आपको बोल देता हूँ, साफ साफ बोल देता हूँ कि रिलीफ रैलीज आएंगी, 3-4% की रिलीफ रैली आएंगी, बीच बीच में आती रहेंगी, पूरे साल आएंगी, बट आपको ना फंसना नहीं है उस रिलीफ रैली में, समझे, आपको उस रिलीफ रैली में फंसना नहीं है। उस रिलीफ रैली को ये मत समझ लेना कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं बाय कर लेता हूँ, पेन दर्द अभी बाकी है। ठीक, थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ मैं आपको कि अप्रैल एवरेज एवरेज चला जाएगा, मतलब अभी मैं आपको हर महीने का हिंट भी दे देता हूँ, अप्रैल, अब आपको कह रहे यार ये कैसी कहानी सुना रहा है, क्योंकि हैं कुछ जो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, वो तो ठीक है, वो तो मतलब वो जानते हैं कि मैं किस बेसिस के ऊपर करता हूँ, और वो बेस जो है वो उसके हिसाब से रिजल्ट निकलता भी है। ठीक, तो वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए ज्वाइन होंगे, वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले पास्ट की वीडियो जाके चेक कीजिए, उसको रीचेक कर लीजिए कि क्या जो बोला गया है वो हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद जाके विश्वास कीजिएगा, ऐसे आदमी की विश्वास करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, बिलीव हो, आपके खुद की जो स्टडी है उससे मेरी स्टडी मैच होती हो, तब जाके बिलीव कीजिएगा, मैं आपको बिलीव करने के लिए कह ही नहीं रहा, बट मैं आपको अपनी स्टडी आपके सामने बता रहा हूँ। तो जो पेन का हिस्सा होगा अभी इस साल में, ठीक, अप्रैल सो सो, मतलब ठीक है यार, मतलब थोड़ा रिलीफ होगा, थोड़ा फिर पंप एंड डंप होगा, मतलब वो चलता रहेगा, एक कंसोलिडेशन भी मान सकते हैं अप्रैल में, 1700 पॉइंट। ठीक है, बट मिड ऑफ मई, लिख लो इस चीज़ को, मिड ऑफ मई के बाद फिर कॉशियस हो जाना, फिर सावधान हो जाना, ओपनली बता रहा हूँ, मिड ऑफ मई के बाद। अब मिड ऑफ मई में होगा क्या, क्या आप लिख तो लोगे, 4-5 दिन 10 दिन ऊपर नीचे डेट हो जाएगी ना, तो फिर आप लिखोगे, अगर आप मिड ऑफ मई कहा था ऐसा हो जाएगा, तो उसको मत लिखना, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस आपको, ऐसा नहीं होता कि मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूं और वहीं से मार्केट गिरना शुरू हो जाए, या फिर आप, ऐसा होता ही नहीं हो, कोई टाइम नहीं कर सकता मार्केट को, सच्चाई है, कोई भी मार्केट को, शेयर मार्केट को एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकता, लेकिन आपकी एक बेस स्टडी होनी चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप एक रिजल्ट, जो आप एक्सपेक्टेशन आपकी है वो, उसका रिजल्ट आपको मिले, दैट्स इट। अगर आप इतना भी कर देते हो तो देन इट इज़ गुड फॉर यू। ठीक, तो अभी मेरी बात समझो, मिड ऑफ मई के बाद मैं कॉशियस रहूँगा, बहुत ज़बरदस्त कॉशियस रहूँगा, मैं वेट करूँगा, एंड स्टिल अगेन आई एम वार्निंग कि पेन दिखेगा, अच्छा दिखेगा, और जब सारे बुल्स, याद रखना इस हिंट को याद रखना, जब सारे बुल्स, अभी 17,000 भी पता है लोग क्या सोच के बैठे हुए हैं, अरे सर 17,000 तो हम, मतलब 17,000 तो सबको दिख ही रहा था, अब दिख रहा था जब हम उसके नज़दीक पहुंच गए, सब सबको दिख रहा था, उस वक्त नहीं दिख रहा था जब 18,500 है, या 17,800 पे खड़े थे हम, 18,100 पे खड़े थे, 200 पे खड़े थे, तब नहीं दिख रहा था। तो अभी भी लोगों के माइंड सेट होगा, तो मतलब उन बुल्स के माइंड सेट में होगा ये, जो बुल्स एक उम्मीद में है ना, इस साल वो उम्मीद में वो फंसते ही जा रहे हैं, हर रिलीफ रैली को कहते हैं बॉटम बन गया, बॉटम बन गया, अरे भाई रिलीफ रैली इज समथिंग एल्स, बॉटम बनना उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है,
मेरे स्टूडेंट्स तो जानते हैं उस प्रोसेस को, जब बॉटम बनेगा और जब टॉप बनेगा, जिन्होंने मेरा कोर्स कोर्स लिया हुआ है, वो कोर्स में पूरा एक प्रोसेस समझाता हूँ मैं, जिस प्रोसेस को मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो बहुत बड़ी लेंथी प्रोसेस है, 1 महीने का है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा उसको, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो चीज़ें प्रिडिक्शन करना इजी है अगर आपके पास प्रोसेस है तो। ठीक, तो वो प्रोसेस, मेरी बातों को मेरे स्टूडेंट्स लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तो उनके पास एक पूरा प्रोसेस मैंने उनको दिया हुआ है कि यार ठीक है, जब भी बॉटम बनेगा ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक, तो उस प्रोसेस के थ्रू अभी कोई मुझे नज़र आसार नहीं है, रिलीफ रैली आएंगी, फंसना मत, ठीक है, बिना वजह के। जब भी बॉटम बनेगा मैं आपको आगे से आके बताऊंगा, ठीक, बट अभी पेन बाकी है। टाइम बता दिया, मिड ऑफ मई के बाद फिर से पेन दिखेगा, अच्छा खासा पेन दिखेगा इस बार। ठीक है, और कुछ ऐसा है इस साल जो शायद अभी सामने डिस्क्लोज हो के हमारे, क्योंकि होता क्या है ना, रिएक्शन मार्केट पहले दे देता है, फिर बाद में एक न्यूज़ आती है, फिर बाद में एक न्यूज़ आती है, क्या कि एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, मतलब ताकि जो हो चुका है ना, लोगों के दिल में उसका एक रीज़न मिल जाए, यार ठीक है यार, मतलब होता क्या है ना कि मेरा मार्केट में मुझे लॉस हुआ, अब मुझे क्या है, मेरे को लॉस हो गया, मुझे अपने दिल को समझाना है, तो मुझे एक रीज़न फाइंड आउट करना होगा। वो रीज़न मुझे फाइंड आउट करने के लिए मार्केट खुद दे देगा, एक न्यूज़ फ्लैश हो जाएगी कि भाई ये नेगेटिव न्यूज़ थी, इसकी वजह से मार्केट गिर गया, तो क्या मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। ये एक्चुअली होता है, ये साइकोलॉजी है एक नॉर्मल पर्सन की। तो मैं बस आपको यही हिंट कर रहा हूँ, डाटा पॉइंट्स के ऊपर बिलीव करोगे ना तो न्यूज़ आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट डाटा आपको पहले से बता भी देगा कि होना क्या है। तो डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा है मार्केट, मुझे भी नहीं पता कौन सी न्यूज़ आएगी, बट कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिसके अंदर आपको वो असली पेन दिखेगा। वो न्यूज़ अभी आनी बाकी है इस साल, ठीक है, वो डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं। सो जब वो न्यूज़ आ जाएगी ना, उस वक्त बॉटम बनेगा। मेरी बात समझे, जब वो न्यूज़ आ जाएगी आपके सामने और बहुत बुरा पेन होगा ना जब चारों तरफ मार्केट में, तब तब आपको समझ लेना कि वो बॉटम बन गया। मेरी बात समझे, क्लियर हिंट समझाया मैंने, और मैं खुद आके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक, खुद बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस सिंपल सी ये है कि सितंबर तक जितनी भी रिलीफ रैली है उन सबको सेल ऑन राइज करनी है। ठीक है, रिलीफ रैली आपको 500-600 पॉइंट की हो सकती है, इजीली हो सकती है, उनको माइंड मत करना, ठीक है। और मिलेंगी, मल्टीपल मिलेंगी, मल्टीपल टाइप ऑफ रिलीफ रैली मिलेंगी, बॉटम अभी नहीं बना है मार्केट के अंदर। ठीक, सितंबर तक का मैंने बता दिया है, मई के बाद सितंबर, अभी अप्रैल जाएगा सो सो, मतलब ऐसे एवरेज, मिड ऑफ मई के बाद सितंबर तक का देख लेना, ठीक है, और सेल ऑन राइज करना, इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने की भी मत सोचना, टाइम आने दो, टाइम आने दो, वी हैव प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से अब टाइम आएगा, टाइम आने दो, पेशेंस रखो, ठीक है, और अच्छे टाइम में सस्ता माल उठाओगे तो मतलब बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये बात को समझो, ठीक है। अभी फेड के चेयरमैन साहब ने तो खुद ही आपको बोल दिया ना आके, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, कह रहे अभी तो कहा था ना 4 दिन पहले आके, क्या कि अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और अच्छे खासे बढ़ेंगे। तो जो सब चीज़ें सामने हैं आपको समझना आना चाहिए, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि पेन अभी बाकी है, इकोनॉमी में पेन बाकी है, अभी उस पेन को ख़त्म होने में अभी समय लगेगा, टाइम लगेगा। सो आपको ये बेसिक्स चीज़ें ना, बेसिक्स जो जो आपको दिख ही रही है, कम से कम उन पर बिलीव तो करो। ये नहीं कि 300-400 पॉइंट की रिलीफ वाली आई, आपने बॉटम कर लिया मार्केट, फिर फंस गए 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, गया मार्केट ऊपर, 500-600 पॉइंट मार्केट नीचे ठोक दिया, और जब मार्केट नीचे ठोकता है ना तो क्या होता है, बहुत स्पीड होती है उसकी, तो आप बच नहीं सकते उस चीज़ से, आपको पेन डबल मिलता है। तो 200 रुपये के लिए जाओगे ना कम बुलिश साइड में, तो 500 रुपये गंवाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। ये इस साल की ट्रेंड वो है ना, बेस लाइन है, इसको बात को समझो, ठीक है। तो 20 मिनट हो गए और मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा, मैं जब भी मुझे लगेगा मैं बॉटम के पास हूँ,
एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, बट हम नियर अबाउट बॉटम पकड़ लेंगे। मैं सामने से आऊँगा, बताऊँगा, चिल्लाऊँगा, बिलीव होगा आपको तो अच्छी बात, नहीं होगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी प्रोसेस मेरे लिए, आपकी प्रोसेस भी कुछ ना कुछ होगी, आपके पास कुछ ना कुछ बेस तो होगा, वो आपके लिए। मेरा फ़ंड मेरे लिए मुबारक, आपका फ़ंड आपके लिए मुबारक, डेट इज़ द मतलब, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और प्लैनेट्स का मैं बहुत फ़ैन हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स के हिसाब से ये साल अच्छा नहीं है। पिछला साल मरकरी का था, बहुत घुमाया, ऊपर नीचे कराया, खड़ा वहीं कर दिया जहाँ पे था। इस साल ऐसा नहीं होगा, जो गिरा है ना ऊपर से वो खड़ा वहाँ पे नहीं होगा। मार्केट को जहाँ से गिरा है ना, इस बार वो वहाँ पे मार्केट खड़ा नहीं होगा, याद रखना इस बात को, ठीक। इस बार नेपच्यून आपको बहुत परेशान करने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो केवल 3 महीने निकले हैं। सो रिलीफ रैलीज भी आएंगी, आपको फंसाएगा, फंसाया भी जाएगा। फंसना मत, फंसना मत, ठीक है, फंसना मत, क्लियर हो गई बात। तो सब कुछ के हिसाब से मेरे पास हर चीज़ का डाटा है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा आई एम क्लियरली क्लियरली टेलिंग यू ऑल कि फंसना मत, रेस्ट इज़ योर चॉइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिलीफ रैली आएंगी, उसमें मत फंसना, अगेन टेलिंग यू ऑल। चलो धन्यवाद, थैंक यू।